जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का वीडियो हम बनाते रहते हैं और बहुत सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट जो हैं वो बहुत उम्मीद छोड़ देते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि क्या होगा, डॉक्टर ने बोल दिया है कि सर्जरी होगी या डॉक्टर ने बोला कि सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, तो उसका बहुत ज़्यादा मन पे इम्पैक्ट पड़ता है, माइंड जो है स्ट्रेसफुल रहता है। और स्ट्रेसफुल जब माइंड होता है तो सबसे पहले जो डर वाला माइंड होता है उससे क्या होता है कि आपका पेट खराब हो जाता है। जैसे आप डर जाते हो ना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे जैसे डर लगेगा तो आपको पोटी आएगी, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो वो डर जो है लाइफ लॉन्ग आपके मन में बैठ जाता है कि मैं तो अब मेरे को सारी उम्र दवाई खानी है और बीमारी बहुत भयंकर है और उसको ये ठीक नहीं होगी, है ना। तो एक सर्कल बन जाता है, बीमारी का डर और वैसे ही साइकोलॉजिकली बहुत सारा स्ट्रेस है आजकल, तो वो बीमारी जो है वो सर्कल चलता रहता है। तो एक तो डर निकाल दो, और डर निकालने के लिए मैं अपने जो पेशेंट्स पुराने हैं वो अक्सर आते रहते हैं, वो जो भी ठीक होते हैं तो उनको मैं स्टूडियो में बुलाता हूँ कि आप अपनी तरफ से उनको मोटिवेट करो। तो ये आशीष जी हैं और ये सचिन जी को लेकर के आए हैं लगभग 2,500-2,500 किलोमीटर दूर से, 1300 किलोमीटर, 1300-1500 किलोमीटर दूर से आप ट्रैवल करके आए हैं। बाय ट्रेन आए हैं? बाय ट्रेन आए हैं सर, हम लोगों को तो टिकट भी नहीं मिल पाती है तत्काल में, इमरजेंसी में टिकट के बिना आए? हाँ सर। कैसे मतलब? ऐसे स्लीपर पे चढ़ के आ गए सर। स्लीपर पे चढ़ गए? हाँ, टिकट करवा लेते हैं जनरल का, जनरल का फाइन करवा के आना पड़ता है, मतलब फाइन करवा के फिर मतलब किसी तरह से आ जाते हैं, किसी तरह से आना। टिकट तो करवा लिया करो यार, कंफर्म ही नहीं होता है। अच्छा, कंफर्म ही नहीं होता है। अच्छा, कंफर्म होता है। खैर, इनको इतना था मोटिवेशन कि मुझे मिलना है। तो सचिन जी मेरे पास आए थे लगभग 1 महीना पहले, दो महीने पहले। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं सर मेरे पेट की प्रॉब्लम है, तो मुझे किसी ने रेफरेंस दिया है जो मेरे गांव में है, इधर झारखंड में, है ना। तो मैंने कहा कौन है वो? कहते जी वो आशीष नाम का लड़का है, वो आपसे ट्रीटमेंट लेता था, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था और वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा अगली बार आओगे आशीष को लेकर के आना। तो ये आशीष है, आज ये सचिन जी इनको लेकर के आए हैं। तो आशीष आपकी स्टोरी मैं डायरेक्ट पेशेंट्स को, लोगों को ही सुनवाना चाहूंगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या समस्या थी और कब हुई ये समस्या? सर मुझे करीबन इस चीज को सर 5-6 साल हो गया, 5-6 साल पहले ये डिटेक्ट हुई थी। जी सर। अच्छा, मुझे लगता था कि मैं बाहर रहता था सर, तो बाहर में इस काम में लोग पार्टी वगैरह कुछ ज्यादा ही करते हैं, तो मुझे लगता था पहले शूल वगैरह होती थी, ब्लीडिंग वगैरह नहीं आती थी सर। कितनी बार स्टूल जाते थे पहले? जब एक होता है ना सर, कभी कभी मूड आ जाना, तो कभी कभी जब होता था पेट खराब, तो हमें लग रहा है कि दिन भर में 5-7-10 बार, उस समय 6-7 साल पुरानी की बात है ये, उस समय 5-10 बार, ये कभी 15 दिन मतलब चलता था। हाँ, 15 दिन चलता था, कभी 10 दिन चलता था, कभी 2 दिन में ठीक हो जाता था, ऑटोमेटिकली फिर ठीक हो जाता था। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये खान पान की वजह से होता होगा, तो जब छोड़ देते तो फिर ठीक भी हो जाता था। अच्छा, फिर अभी सर हमें लग रहा है करीबन 2-3 साल पहले मेरे सिस्टर का शादी था, उस समय ये अचानक ब्लीडिंग वगैरह चालू हो गया। अच्छा, और कब की बात है? 2000 ये 2021 की बात है सर। 21 की बात? अच्छा, 21, हाँ 21 के आसपास की होगी, 21 की बात है। और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आने लग गया और कुछ काम वगैरह भी नहीं कर पाते थे सर, क्योंकि बाथरूम ये ऐसा सिचुएशन ही रहता है कि ना ही हम कुछ कर पाते, ना ही हम कहीं जा पाते हैं सर। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ना ही किसी से बात करने का मन करता है, प्लस में अलग ही लेवल का टेंशन बन जाता है सर। तो फिर आपने वहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया था? जी सर, डॉक्टर को दिखाया था मैंने हजारीबाग में ही, अपने यहाँ पे। हजारीबाग में कौन से डॉक्टर साहब थे, कोई याद है? कोई इंस्टीट्यूट या कोई कॉल जो हॉस्पिटल? जी जी जी, ये क्या नाम है उसका जो गैस हॉस्पिटल का नाम नहीं है, नहीं याद है मुझे, नहीं मैं बता रहा हूँ कुछ तो। डॉक्टर का नाम याद है? अमिताभ गांगुली से दिखाए थे, वो रेफर किए थे कोलोनोस्कोपी करवाने के लिए, सामने एक है लॉजिस्टिक। तुम दादी दीदी कौन से करवाए? हाँ, दादी का ऑपरेशन हुआ था, बट मुझे याद नहीं है एक्चुअली। मैं डॉक्टर कोई बात नहीं, मतलब किसी डॉक्टर ने आपको कंफर्म किया था कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और उसमें लूज मोशन कितनी बार जाते थे सर? उस टाइम पे तो जब मेरा ब्लीडिंग आता था उस समय कम से कम 40-50 टाइम जाना पड़ जाता था सर, 40 से 50 बार।
जी सर। तो आप तो उसके पास ही बैठे रहते होंगे। मैं बाथरूम, जी सर, बाथरूम पे ही रहता था हमेशा मैक्सिमम टाइम। मतलब मेरे लिए कहा गया तो समझिए कि दरवाजा खुल के रहता था सर बाथरूम के लिए। अच्छा, ऐसा मतलब ऐसा कंडीशन आ गया था सर मेरा। अच्छा, बहुत प्रॉब्लम फेस किया सर मैंने। घर वाले इतना हताश हो गए, मैं तो था ही, घर वाले इतना डिप्रेशन में जा रहे थे कि मेरे सामने रो देते थे सर, मम्मी पापा ये सब, हॉस्पिटल वगैरह। मुझे याद है घर पे वैसा कोई था नहीं, जब हम हॉस्पिटल की तरफ भी जाते थे तो मुझे रस्ते में रोक रोक के बाथरूम जाना पड़ता था, क्योंकि बाइक वगैरह खुद ड्राइव करना पड़ता था, खुद लेकर जाते थे सभी को, मम्मी पापा को बैठा के। रास्ते में रांची, हमें लगता है रांची रिम्स में गए थे हम वहां पे। रांची रिम्स हमारे यहाँ का सब बड़ा हॉस्पिटल है वो, रांची में। वहां पे गए तो वहां पे भी बोला कि नहीं, इसका कोई परमानेंटली इलाज ही नहीं है इसका। अच्छा। आपको कंटिन्यू जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा और ये आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। फिर आपने कोई दवाई भी खाई? नहीं, मैंने कोई दवा खा रहे थे, मतलब लोकल जो दवा दे रही थी, और इसके लिए स्टेरॉइड वगैरह जो देता है वो सब नहीं ले रहे थे सर, क्योंकि मुझे पता चला था कि ये सब में काफी ज्यादा बाद में साइड इफेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो मैंने नहीं ले रहा था वो। पर आपने मेसाकोल वगैरह नहीं लिया था? वो सब भी नहीं लिए थे सर हम। तो फिर लिया क्या दवाई? सर इतने वीक बैकग्राउंड से है ना हम लोग कि हम एलोपैथी डॉक्टर को कर ही नहीं सकते, ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियली वीक थे। फाइनेंशियली वीक। तो वो स्टेरॉइड तो बहुत महंगा नहीं होता, और आपने नहीं लिया? नहीं लिया सर, मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि एलोपैथिक वो उन्होंने जब ये शब्द बोला ना सर कि आप मेडिसिन खाएंगे उसके बाद परमानेंट कोई इलाज ही नहीं है, तो हाँ मेडिसिन से हाँ घबरा ही गए, और मेडिसिन का ऐसा करके क्या फायदा जो मतलब ठीक ही ना हो पाए पूरा। फिर मैंने काफी रिसर्च किया सर इस मैटर पे लेके, मैंने देखा बहुत ज्यादा, फिर वीडियोज वगैरह देखना चालू किया, तो एक फिर वीडियो पे दिखाया रहा था सर, यूसी का सेम पेशेंट था उसका, और एलोपैथिक का वो यूज कर रहा था, और उसका दिखा रहा था कि बैग बाहर लटका दिया है कोई पेशेंट था। हाँ, कोई पेशेंट था, रील्स वगैरह इंस्टा पे मैंने देखा था उसका। अच्छा। कि बैग ऐसा लटका दिया है, और वो ठीक था, शायद ड्रिंक वगैरह भी कर रहा था, यूट्यूब अपना इंस्टा पे डाला था। अच्छा। तो मुझे लगा कि मेरा भी सेम कंडीशन हो जाएगा, तो एक होता है ना सर कि शादी वादी हम लोग गांव देहात से हैं तो फिर कैसे करेंगे, फिर हो ही नहीं पाएगा फिर तो। तो इन सब चीज पेट मतलब थैली लगने की चिंता नहीं, शादी की चिंता हो गई। सही है सर, थैली लग जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी हो जाए मेरी। वो काफी ज्यादा सर, अभी तो मैं हंस ले रहा हूँ, उस टाइम पे डिप्रेशन में, डिप्रेशन और सैडनेस होती होगी ना। काफी, फिर एक वीडियो मैंने बहुत सर्च किया, फिर आपका वीडियो दिखा मुझे, कोई पेशेंट आके सेम चीज था, वो भी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है, वो भी ठीक हो गए। फिर आपका वीडियो भी देख, मैं तो सर मैं इतने गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मैं मेडिसिन भी जो लिया हूँ ना सर, वो डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू ही देख देख के लिया हूँ सर। मतलब वहीं से देखा आपके प्रिस्क्रिप्शन जैसे भाई चांस किसी ने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया या मैंने बोला, और उसमें उसमें जो मैं सिम्टम्स सर फायदा, मैं तो अभी पूरा ठीक हो गया हूँ सर, पूरा क्योर हूँ मैं। आमतौर पे मैं कुटज घनवट्टी देता हूँ, कुटज घनवट्टी, कुटज एक वृक्ष है, उसकी छाल से वो टेबलेट बनती है, जो पेशेंट गरीब है या कुटज को किसी से कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो उसकी छाल का काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। तो कुटज जो हेलोरिना एंटी डिसेंट्री का उसका लैटिन नेम है, तो एक ऐसा उसकी जो छाल में ऐसे गुण है कि वो लूज मोशन को रोक देती है, ब्लड को भी रोक देती है। तो उसके अलावा पित्ता बैलेंस है, पित्त को शांत करने के लिए पित्ता बैलेंस कैप्सूल्स है, उसमें प्रवाल, जहरमुरा की, कामधुदा मुक्ता, पिष्टी, ये सब पिष्टियां ठंडी है, तो वो पित्त वाला रोग है ना, तो उसको ये सब पिस्टियां कैप्सूल फॉर्म में पित्ता बैलेंस है। और एक बेलगिरी का चूर्ण है, बेल का जो गिरी होती है उसको सुखा करके उसका चूर्ण, एक अर्जुना कैप्सूल भी है सर, अर्जुना कैप्सूल भी है, अर्जुन की जो छाल होती है उसका कैप्सूल बनाया। बट और क्या है, वत्सकादि चूर्ण ये लिया था आपने? मैं सर अगर आपका मैंने मेल किया था सर यहाँ पे, जब मुझे पता चला तो मेल आईडी पे मैंने मेल किया था, तो वहां से मुझे आया था मेल के थ्रू ये जो आपका शायद 4000 का समथिंग का कुछ है पैकेज है वो, 3-4 हजार जो भी है वो पैकेज था उतने का। उसमें मैंने वो फर्स्ट में मंगाया,
उसके बाद उससे लगा थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था। तो मैंने वीडियो और बढ़ाया देखने के लिए कि और क्या है, नहीं है, क्या होता है, नहीं होता है। तो फिर मैंने वीडियो में देखा कि क्लोस्ट्रिन बी करके है, क्लोस्ट्रिन ए है, और हिमोस्टॉप है, ये सब है, हाँ, हाँ। तो मैंने वो सब कभी ये मंगा लिया, कभी वो मंगा लिया, इस टाइप से मंगा मंगा के देखता था कि कौन सा सुटेबल कर रहा है और क्या लेनी है मुझे। अपने खुद से ही डॉक्टर कर लिया। और डाइट के लिए भी मैं बहुत प्रॉपर फॉलो किया हूँ सर डाइट, मुझे लग रहा है उस टाइम पे भी ये आपका योगर्ट विद बनाना जो आप कहते थे कि लो वो बेटर रहता है हेल्थ के लिए। वजन बढ़ा फिर आपका थोड़ा? बिल्कुल बढ़ रहा है सर, अभी भी बढ़ रहा है। अभी तो अभी आप वैसे कितना पढ़े लिखे हो, क्या? मैंने सर मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है सर, बिल्कुल नहीं करी है, 10th तक ही किया हूँ। तो 10th तक पढ़ाई करके भी इंटरनेट से ढूंढ के खुद ही आयुर्वेद को पढ़ पढ़ के ये सब में? जी सर, ये सब में थोड़ा हूँ सर, क्योंकि संगति का असर होता है तो लोगों के साथ उठना बैठना। क्या काम करते हो? एक्सकेवेटर ऑपरेटर हूँ सर। एक्सकेवेटर? हाँ। वो जो तो बहुत भारी मशीनरी होती है। हाँ, सब चला लेते हो? नहीं जी सर। तो अभी कोई वीकनेस वगैरह नहीं महसूस होती? अभी तो कोई वीकनेस नहीं है सर, अभी तो वर्कआउट वगैरह भी चालू कर दिया हूँ। अभी वर्कआउट भी करते हो? जी सर। जिम जाते हो? जिम घर पे ही सारा कुछ सेटअप तैयार किया सर, देसी जो होते है ना जी, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। घर पे ही वो जो घर पे ही कुछ कुछ जो रहता है बनाने वगैरह होते हैं वो सब रखे हुए हैं? रखे हुए सर, देसी जुगाड़ बनाए रखा है मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ? अभी कोई प्रॉब्लम? कब से आपको ये प्रॉब्लम, मतलब इस बीमारी से पीछा कब से छूट चुका है, कितने देर? मुझे लग रहा है सर 2-2.5 साल के करीबन होने चला सर। 2-2.5 साल से कोई दवाई नहीं खा रहे? कोई दवा नहीं खा रहे, कोई कुटज नहीं खा रहे, कोई आयुर्वेद की, कोई एलोपैथी की, कोई नहीं खा रहे? और बिल्कुल एक बार, एक या दो बार जाते हो गए टॉयलेट? अभी तो एक ही बार जाता हूँ। एक बार जाते हो और कोई ब्लड नहीं आता? कोई ब्लड नहीं आता। बंधा हुआ मल आता है? बंधा हुआ मल आता है। तो यही तो मिरेकल है, इसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। जो एक ऐसा पेशेंट जो कोलाइटिस से डायग्नोज पेशेंट है, अच्छे हॉस्पिटल से डायग्नोज है, डॉक्टर ने बोल दिया कि सारी उम्र दवाई खानी है, डीमोटिवेटेड हो गया कि भी मेरे को तो अब थैली ना लग जाए कहीं, और घर वाले भी परेशान हो गए, और 30 से 40 बार जो बाथरूम के पास ही बैठा रहता था वो पेशेंट, सिर्फ इन दवाओं से, सिंपल सिंपल दवा, सिंपल सिंपल दवा जो ठीक हो सकता है, तो आप क्यों नहीं ठीक हो सकते? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा सर कि इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए सर, और राइट टाइम पे राइट चीज मिल जाना ये बहुत बड़ी चीज होती है इंसान के लाइफ में। अगर मैं आपका वीडियो ना देखा होता, कोई यहाँ पे बैठ के सेम वीडियो अगर ना बना रहा होता, मैं उनकी वीडियो देख के अगर ना आ रहा था, तो मैं आज शायद यहाँ बैठा भी ना होता सर। तो इसीलिए मैं बनाता हूँ वीडियोस रियल पेशेंट्स के, ताकि लोगों को आयुर्वेद पे फेथ बने, लोगों को ये भरोसा हो कि हाँ। मुझे तो कभी कभी लगता है सर एलोपैथी के डॉक्टर को पता नहीं क्या आता है या नहीं आता सर, मैं कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ सर। वो इतना ज्यादा इंसान को तोड़ देता है सर, एक ऐसा नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए सर, उनको उनको नॉलेज नहीं है इस मैटर पे, तो ये अलग बात है, लेकिन ये किसी इंसान को बोल देना कि ये नहीं, लाइफ टाइम क्योर नहीं हो सकता, ये सही नहीं है सर। किसी मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एलोपैथी डॉक्टर्स मैंने देखा है, उनकी जो किताबें हमने भी पढ़ी है, तो किताबों में तो यही लिखा है कि ये ठीक नहीं हो सकता, परंतु उस चीज से अगर वो डॉक्टर्स कुछ अपने आप को मोटिवेट करें कि हम कुछ ऐसा ढूंढें इस प्रकृति में जिससे ठीक हो सकता हो, उसको ट्राई करें, उस पर क्लिनिकल ट्रायल करें, उस पर रिसर्च करें, या एटलीस्ट उसको मना मत करें। अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो बहुत सारे मेरे अमेरिका के पेशेंट्स हैं और अमेरिका के डॉक्टर्स को वो बता देते हैं कि सर हम तो ये कुटज खा रहे हैं और ये डॉक्टर विक्रम की मेडिसिन ले रहे हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन है उनकी, तो डॉक्टर, और इससे हम ठीक भी हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप इसको कंटिन्यू करो। तो कई डॉक्टर्स भी मेरे पेशेंट्स हैं जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो भी विश्वास करके खाते हैं, पर बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो नहीं मानते, तो उनको धीरे धीरे विश्वास हम दिलाएंगे, आप जैसे पेशेंट भी दिलाएंगे, हम जैसे डॉक्टर भी दिलाएंगे सर, उनको विश्वास करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, वाकई जादू कर लेना चाहिए, जादू तो है, क्योंकि
किसी इंसान को खो देना सर, वो जिनके घर वाले खोते हैं वो तो उन्हीं को पता होता होगा सर, डॉक्टर कितना इजीली बोल देते हैं कि नहीं मतलब नहीं कुछ लाइफ टाइम हाँ इसका कोई क्योर नहीं जैसे है। जैसे मैंने बताया हेलोरिना एंटी डिसेंट्रिका, इस प्लांट का नाम ही लैटिन नेम रखा है। क्या लैटिन नेम जो है आयुर्वेद में लिखा होगा? नहीं, आयुर्वेद तो बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है, उसमें लैटिन नेम तो नहीं लिखे हुए। तो लैटिन नेम जो है वो एंटी डिसेंट्रिका किसने लिखा होगा? अंग्रेजों ने लिखा होगा। तो जब मेडिकल साइंस में या बॉटनिस्ट ने लिखा तो उसने एंटी डिसेंट्रिका क्यों लिखा? उसने देखा कि इसमें एंटी डिसेंट्री के डिसेंट्री को ठीक करने के गुण है, इसलिए उसने इसका नाम एंटी डिसेंट्रिका लिखा। बिल्कुल। तो जब ये बॉटनिस्ट समझ सकते हैं कि इससे ठीक हो सकता है तो डॉक्टरों को भी समझना चाहिए। तो आपका सचिन जी, आप फिर इनसे इंस्पायर होके आप आए? इंस्पायर होकर के सर, मुझे इंडाइजेशन रहता था, गैस बहुत पेट में बनती थी, वेट लॉस भी हो रहा था तेजी से। तो आप 2 महीने से आप मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हो? हाँ सर, 2 महीने से मैं यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मुझे काफी फायदा है। पहले एंजाइटी रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था, वो सब अब नहीं है। और मैं सर इनको डे 1 से बता रहा था कि बाबा देख जाओ वहाँ पे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं मान, 1 से बोल रहा था, लेकिन वो डिस्टेंस की वजह से आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन मिल नहीं पा रहा था सर। ठीक है। और मैंने ऑनलाइन, हमारे पास और डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। हाँ सर, मैंने वो अब यूरोप में मैं नहीं जा रहा, मेरे डॉक्टर जा रहे हैं, वो ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ के लोग डॉक्टरों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ के लोगों को पढ़ा रहे हैं, आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ के डॉक्टर पढ़ सकते हैं, वहाँ के पब्लिक पढ़ सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ के डॉक्टर्स आयुर्वेदिक डॉक्टरों से जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन क्यों नहीं ले सकते? आप भी ले सकते हैं, तो इतनी दूर से बिना टिकट के आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन नंबर जो हमारे हैं वहाँ पे सिंपल व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। मेरा अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो मेरी टीम के डॉक्टर हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और उनसे आप डाइट का जरूर गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य 3 चीजों को फॉलो करेंगे ना तो आधी बीमारियां वैसे ठीक हो जाएंगी। आहार में डाइट आ गया, निद्रा में स्लीप आ गई, ब्रह्मचर्य में लाइफस्टाइल आ गया कि आप कैसे कितने बजे उठते हैं कितने बजे सोते हैं। तो बिल्कुल भी बाहर का खाना ये तो नहीं सर, अभी इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है मेरे को फोन करके पूछता है कि आज बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करे नहीं करे। तो डायट बोलते हैं तू कुछ गलत कर रहा होगा, टाइम पे ना खाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको मैं कट शॉर्ट यही करना चाहूंगा कि मेरे डाइट के वीडियोस भी हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर, तो उसमें मेनली दही खाना है, केला खाना है, खिचड़ी खाना है और घी खाना है, उससे आपका अब मसल वगैरह बने थोड़े आपके? बिल्कुल सर, मसल बन गए हैं। मैं पहले ऐसा हो गया था सर, मैं एक हड्डी दिखता था, एक हड्डी अच्छा, दिखता था मेरा। अच्छा, अभी तो काफी हद तक ठीक हूँ। तो ये सिंपल ये सब चीजों से ही, घी वगैरह खाने से ही आपके मसल मतलब वेट गेन होगा, आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है आशीष जी, सचिन जी आपको बहुत बहुत मैं बेस्ट विशेस देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप ठीक ही रहें, आशीर्वाद देता हूँ। तो और भी पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयाँ भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सब शहरों में हैं, ज़्यादातर शहरों में, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप, कहीं बैठे हैं या इंडिया के किसी कोने, तो आप सिंपल ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए और दवाइयाँ आपको और गाइडलाइंस आपको घर बैठे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो जो है ना आप लोगों से शेयर जरूर किया करो। बिल्कुल, आप अपनी बात तो शेयर कर देते हो बोल के, जैसे आपने इनको बोल के बता दी तो एक आदमी तक पहुंचा, अगर आप किसी को भेज देंगे क्या पता उसको कोलाइटिस की बीमारी हो। ठीक है, तो आप शेयर जरूर कर दिया करें। और क्वेश्चन जो है आप कमेंट्स में नीचे आप क्वेश्चन डालते जाए, हमारे वीडियो है ना, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन डालते जाएंगे तो हम हमारे डॉक्टर उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।